हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अलसी के सेवन के फायदे। अलसी का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है जो कि दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक चम्मच अलसी में 1.8 ग्राम ओमेगा 3 पाया जाता है। अलसी के बीज में आयरन, जिंक, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीन तत्व पाए जाते हैं। आयुर्वेद में अलसी को मंदगंध युक्त मधुर मलकारक किंचित कफवात कारक पित्तनाशक पचने में घारी गर्म पौष्टिक कामोद्दीपक पीठ के दर्द और सूजन को मिटाने वाली कहा गया है। औषधीय गुणों से भरपूर अलसी के बीज सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका सेवन अलग अलग व्यंजनों के रूप में किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन और प्रोटीन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वजन कम करने के साथ साथ इसका सेवन पाचन क्रिया दुरुस्त, कोल्ड कफ, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, कैंसर, डायबिटीज आदि से भी बचाव करता है। भूरे काले रंग के ये छोटे छोटे बीज हृदय रोगों से आपकी रक्षा करते हैं। इसमें उपस्थित घुलनशील फाइबर्स प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इससे हृदय की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। दोस्तों, अलसी में पाया जाने वाला ओमेगा 3 जलन को कम करता है और हृदय गति को सामान्य रखने में मददगार होता है। ओमेगा 3 युक्त भोजन से धमनियां सख्त नहीं होती, साथ ही ये वाइट ब्लड सेल्स को ब्लड धमनियों की अतिरिक्त परत को चिपका देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। ये सबसे अधिक मात्रा में समुद्री मछली से प्राप्त होता है, लेकिन वेजिटेरियन प्राप्त मात्रा में अलसी का सेवन करके इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये शरीर से अतिरिक्त वसा को भी कम करती है, जिससे आपका वजन कम होने में सहायता मिलती है। ये रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक है। अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करते हैं, जिससे त्वचा पर झुर्रियां नहीं होती और कसाव बना रहता है। इससे त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनती है। दोस्तों, फाइबर से भरपूर अलसी के बीजों का सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखता है। अलसी में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होते हैं, जो पाचन प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने में मदद करते हैं। दुरुस्त पाचन क्रिया के लिए आप किसी भी स्मूदी या सलाद में 1-2 टेबल स्पून अलसी मिलाकर खा सकते हैं। अलसी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। हाल ही के अध्ययनों से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि अलसी स्तन, प्रोस्टेट और पेट के कैंसर के विकास के जोखिम को कम कर सकते हैं। अलसी के बीज में लिग्नन उच्च स्तर में पाया जाता है, जो हार्मोन, चयापचय और ट्यूमर कोशिकाओं के प्रसार के लिए जिम्मेदार एंजाइमों को अवरुद्ध करके स्तन कैंसर से रक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, इसके अलावा अलसी के बीज का पाउडर और अलसी के तेल दोनों ही अल्फा लिग्नोलिक एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध है, जो कैंसर के खिलाफ फायदेमंद है। अलसी का सेवन मधुमेह के स्तर को नियंत्रित रखता है। डायबिटीज से ग्रस्त लोगों पर रिसर्च करने से ये सामने आया है कि अलसी में मौजूद तत्व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अलसी के बीजों का मिक्सी में तैयार किया गया दरदरा चूर्ण, 15 ग्राम मुलेठी, 5 ग्राम मिश्री, 20 ग्राम आधे नींबू का रस को उबलते हुए 300 ग्राम पानी में डालकर बर्तन को ढक दें। इस रस को 3 घंटे बाद छान कर पिएं। इससे गले व श्वास नली में जमा कफ पिघल कर बाहर निकल जाएगा। अलसी जोड़ों की हर तकलीफ पर असरदार है। इसे खाने से खून पतला हो जाता है, जिस वजह से पैरों में रक्त का प्रवाह सही ढंग से होता है और दर्द जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जोड़ों के दर्द के लिए अलसी का पाउडर को सरसों के तेल के साथ गर्म करें और ठंडा होने के बाद जोड़ों पर लगा लें। इससे दर्द दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताए अलसी के बीज के स्वास्थ्यवर्धक फायदे। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।